पेटीएम करो एन अनटोल्ड स्टोरी पेटीएम का एक नया कदम एक नई उम्मीद के साथ नो ऑल अबाउट इट विद मिस्टर राम आहूजा करंट अफेयर्स विद राम में आपका स्वागत है यू तो हम सभी लोग पेटीएम यूज करते हैं लेकिन क्या हमें पता है कि पेटीएम की शुरुआत कहां हुई पेटीएम की सक्सेस के पीछे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जो इसकी बैकबोन का काम करती हैं क्या सक्सेस का राज क्या है इस पेटीएम का आज इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे पेटीएम के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनकी पर्सनालिटीज़ का जो पेटीएम की बैकबोन बनी हुई हैं मिस्टर विजय शेखर शर्मा ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम मिस्टर रवि आदुसुमाली मैनेजिंग पार्टनर ऑफ सेफ पार्टनर्स मिस्टर एरिक सी ऑफ एंड फाइनेंशियल ग्रुप मिस्टर नीरज अरोड़ा ही इज द ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ WhatsApp, देखा कितनी बड़ी-बड़ी हैं जो उसके पीछे का काम कर रही हैं। PTM की सबसे बड़ी उपलब्धि, जो मई को लॉन्च हुआ। ये रहे Banks, Other Banks, और ये पेटीएम की स्ट्रेटजी यस दिस इज सक्सेस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम इज एन इंडियन पेमेंट एंड कॉमर्स कंपनी बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर इंडिया यस yes, इसका बेस दिल्ली एनसीआर है मैं आपको बता दूं कि पेटीएम कंपनी की शुरुआत दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल के पास एक छोटे से कमरे में एक बहुत बड़े विजन के साथ हुई मिस्टर विजय शेखर शर्मा जो इसके फाउंडर हैं उनका एक ड्रीम था इस पे को लॉन्च करना सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा इज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ पे लॉन्च इन ऑगस्ट 2010, थाउजेंड टेन इट इज दंज्यूमर ब्रांड ऑफ पेरेंट 197 कम्युनिकेशंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेटीएमिकेशन लिमिटेड जो टू थाउजेंड के अंदर स्टैब्लिश की गई थी पेटीएम की फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल यानी मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना वन नाइन सेवन कम्युनिकेशन इंडिया के इस समय बहुत ही बड़ी लीडिंग मोबाइल इंटरनेट कंपनी है Paytm बहुत सारे पेमेंट सॉल्यूशंस भी देती है जो कि ई-कॉमर्स बेस्ड हैं और ये सब आरबीआई से अप्रूव्ड हैं 197 डिलीवर्स मोबाइल कंटेंट्स एंड कॉमर्स सर्विसेज टू मिलियंस ऑफ मोबाइल कंज्यूमर्स थ्रू क्लाउड प्लेटफॉर्म जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं 197 कम्युनिकेशंस के द्वारा उसमें आते हैं टॉप टिकट्स होटल बुकिंग्स डील्स म्यूजिक वीडियोस, गेम्स, मोबाइल कंटेंट। जरा देखिए मार्केट में मोबाइल मार्केट प्लेस में कौन कौन सी चीजें प्रोवाइडेड हैं? यस, होटल बुकिंग, डील्स, म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स स्टार टॉक। ये सारे कंटेंट पीटीएम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करीब साढ़े चार हजार से ज्यादा एम्प्लॉज 197 कम्युनिकेशन में काम करते हैं इसकी जो रीजनल ऑफिस हैं, वो मुंबई में है बेंगलुरु पुणे चेन्नई और कोलकाता में है अगर हम इसकी ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी इस समय अफ्रीका यूरोप मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपने पैर जमा चुकी है 197 के पीछे बहुत सारे मार्की इन्वेस्टर्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है जिसमें चुनिंदा नाम आते हैं अली बाबा ग्रुप एंड फाइनेंशियल जिसको अली पे कहा जाता है सेफ पार्टनर्स मीडिया टेक एंड सिलिकॉन वैली बैंक मिस्टर विजय शेखर शर्मा की बात करें तो ही इज द एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ पेटीएम मिस्टर शर्मा का जन्म अलीगढ़ यूपी में हुआ था और वो जैकमा और माइसा योशी संघ को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं मिस्टर शर्मा मानते हैं कि ये दो लोग उनकी इंस्पिरेशन हैं, जिनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने एक सपना देखा एक विजन देखा पेटीएम का शर्मा ने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था 15 साल की उम्र में और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था इंडिया साइट नेट और जिसको उन्होंने दो साल बाद वन मिलियन डॉलर में बेच दिया यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और 2005 में 197 कम्युनिकेशन ने मोबाइल कंटेंट्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए जैसे कि न्यूज क्रिकेट स्कोर्स स्कोर जोक्स एग्जाम रिजल्ट कहानी खत्म नहीं हुई आज विजय शेखर शर्मा की जो कंपनी है उसकी वैल्यू लगभग लगभग तीन बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है और आपको पता है ये सपना कहां से स्टार्ट हुआ जब मिस्टर विजय शेखर शर्मा की जेब में केवल दस रुपए थे इवन यहां तक कहा जाता है कि शर्मा जी चाय पीने के लिए भी उधार मांगकर चाय पिया करते थे उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो चाय पैसे से खरीद कर पी सके देखिए एक बड़ा सा विजन सिर्फ एक विजन को लेकर के शर्मा ने दस रुपए से इतनी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी स्टैब्लिश कर दी डिमोनिटाइजेशन के टाइम में इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ लगभग पर मिलियन ट्रांजेक्शन हुई जिसकी वर्थ लगभग 120 करोड़ डे की थी इसी वजह से इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू करीब करीब पांच बिलियन डॉलर तक पहुंच गई जो कि उनका टारगेट चार महीने बाद का था और उन्होंने पहले ही इसको अचीव कर लिया जीएमवी जिसका मतलब बताए ग्रोस मर्चेंटाइज वैल्यू ये एक इंडस्ट्री टर्म है जिसमें हम गुड्स की जो बेचते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको कैलकुलेशन करने की यूनिट है पीटीएम की जो जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू थी लास्ट ईयर वो थी थ्री बिलियन डॉलर जो पहुंच करके फाइव बिलियन डॉलर तक पहुंच गई देखते हैं इसका इंपैक्ट डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट पेटीएम पर क्या पड़ा ये रहा गोल और ये रहे स्टेप्स सेवन मिलियन ट्रांजेक्शन ये सबसे बड़ा इंपैक्ट था डिमोनेटाइजेशन का जिसकी वजह से पेटीएम एकदम से अगले कदम पर पहुंचती गई और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गई सेकेंड स्टेप ग्रोस मार्केट वैल्यू फाइव बिलियन डॉलर्स लगभग 120 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पर डे और इसने लास्ट ईयर की जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू थी 3 बिलियन डॉलर्स उसको सुपरसीड कर दिया और ये रही लीडिंग कंपनी डीमोनेटाइजेशन के बाद Paytm इंडिया की सबसे फेवरेट कंपनी बन गई मिस्टर विजय शेखर शर्मा ही इज 37 इयर्स ओल्ड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ 197 कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी विजन के साथ मिस्टर शर्मा अभी भी कहते हैं कि अभी भी मेरा अल्टीमेट मोमेंट जो मेरी लाइफ में आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया शायद वो इससे भी बड़ा सपना लेकर के चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मिस्टर रवि आदुसुमाली रवि ने सेफ कंपनी को ज्वाइन किया था 2002 में और अभी वो उसके मैनेजिंग पार्टनर हैं और हेड ऑफ उप इंडिया ऑपरेशंस हैं मिस्टर एरिक Eric is the COO of End Financial Services Group. ये जो कंपनी है एंड फाइनेंशियल ये अलीबाबा की ग्रुप रिलेटेड कंपनी है जो अक्टूबर 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी ये बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और माइक्रो एंटरप्राइजेस को हेल्प करती है ग्रो करने में अलीबाबा ग्रुप यस इससे पहले प्रायर टू तो अलीबाबा Eric held management positions at several Coca-Cola bottling companies across China and he was the chief financial officer of Guangzhou Pepsi Cola Beverage Company from 2004 to 2006. Mr. Neeraj Arora Mr. Neeraj Arora is a global business head at WhatsApp Incorporation. Prior to joining WhatsApp

देखा यही रीजन है कि आज पेटीएम इतनी सक्सेसफल जा रही है क्योंकि इसके बैकबोन में ऐसी पर्सनैलिटीज काम कर रही हैं जिनके बारे में बताना लगभग बहुत मुश्किल है दे आर सो मच बिग पर्सनैलिटीज मिस्टर रतन एंड टाटा ही इज द चेयरमैन ऑफ द मेजर टाटा कंपनीज जिसमें टाटा मोटर्स टाटा स्टील टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा पावर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाटा केमिकल्स इंडियन होटल्स टाटा टेली सर्विसेज इतनी सारी कंपनियों के चेयरमैन बैकबोन ऑफ वन नाइन सेवन कम्युनिकेशन क्यों नहीं तरक्की करेगी ये कंपनी डेफिनेटली करेगी जिसके पीछे ऐसे, लोग हो, ऐसे लोगों का हाथ हो उस कंपनी का तरक्की करना तो लाजमी है इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मिथ सुबी कारपोरेशन जेपी मोर्गन चेस रॉयल्स रॉयस टिमासे होल्डिंग्स एंड मोनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिस्टर टाटा को ऑनर किया था Second highest civilian award, Padma Vibhushan, 2008 May. Mr. Jay Das. Jay is a managing director at Sapphire Ventures. His primary focus is in the areas of software defined infrastructure, cloud and mobile computing and smart machines. Mr. Amit Singhal. मिस्टर अमित सिंगल ए एडिशनल डायरेक्टर इन वन नाइन सेवन कम्युनिकेशन देखिए सिंगल क्या करते हैं सिंगल in का गूगल की जैसी कंपनी में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और शायद वो उस एक्सपीरियंस को यहां पर यूज करते हैं पेटीएम में गूगल फेलो एंड फॉर्मर हेड ऑफ द को रैंकिंग टीम He has served over 15 years in the company. While at Google, Amit spent his time refining its search function functionality, distinguished both for its quality of results and built in features like spell check. Amit was a part of the early engineering team that also developed search related tools for advertising, which turned out to be a big business opportunity for the company. Deka Yee Sari directors. ये सारे एडिशनल डायरेक्टर्स इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो पेटीएम के बैकबोन की तरह काम कर रही हैं शायद यही सक्सेस का राज है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर ज़रूर करें आपके ट्रू कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा बाय बाय